श्री गुरुभ्यो नमः अनेवरुक्कुम नमस्कारम। नाम इन्नैक्कु प्रदोषम शिवरात्रि दिनत्तिल एन दिनमुमे शिवपेरुमानै निनैत्तु सोल्ल वेंडिय शक्ति वायந்த अற்புதமான ஒரு ஸ்தோத்திரம் பார்க்கலாம்। பழைய கர்ம வினைகள் நீங்கி கடந்த 7 ஜென்ம பாபங்களிலிருந்து விடுபட இந்த மந்திரமே போதும்। அது என்ன? அது ஆதிசங்கரர் அருளிய துவாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம்। ஜோதிர்லிங்கம் அப்படின்னா ஒளிமயமான லிங்கம், அதாவது சிவபெருமானின் பிரகாசமான அடையாளத்தை குறிக்கிறது। சமஸ்கிருதத்துல ஆருத்ரா அப்படின்னு குறிப்பிடப்படும் திருவாதிரை நட்சத்திர நாள்ல சிவன் தன்னை ஜோதிர்லிங்க வடிவத்துல வெளிப்படுத்தியதாக சொல்லப்படுறது। சிவபெருமான் ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய பொழுது பூமியில் தீப்பிழம்புகள் ஜோதிர்லிங்கமா உருவெடுத்திருக்கு அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்றது। இந்தியாவில் மொத்தம் 12 இடங்களில் ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்கள் இருக்கு। குஜராத் சௌராஷ்டிரா பகுதியில சோமநாதர், ஆந்திர பிரதேஷ் ஸ்ரீசைலத்துல மல்லிகார்ஜுனேஸ்வர், मध्य प्रदेश उज्जयिनील महाकालेश्वर, अम्लेश्वरल ओमकारेश्वरर, झारखंडल वैद्यनाथर, महाराष्ट्राल भीमाशंकर, तमिलनाडुल रामेश्वरम रामनाथर, गुजरातल नागेश्वरर, उत्तर प्रदेश वाराणसील काशी विश्वनाथर, महाराष्ट्र नासिकल त्रिंबकेश्वरर, उत्तराखंडल केदारनाथर, महाराष्ट्राल कुष्मेश्वर। இதுவே அந்த 12 ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்கள்। இந்த 12 ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்களை வழிபட ஸ்தோத்திரமே சிவ துவாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம்। சிவபெருமான் ருத்ர தாண்டவம் ஆடின போது பூமியில் விழுந்த தீப்பிழம்புகள் ஜோதிர்லிங்கமா உருவெடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்। அந்த ஜோதிர்லிங்க மூர்த்தியின் அருளை நாம் முழுமையாக பெறுவது நமது பாக்கியம்। யார் ஒருவர் தினந்தோறும் இந்த 12 ஜோதிர்லிங்கத்தையும் மனதில் பிரார்த்தித்து காலை மாலை என இரு வேளையும் இந்த ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் கடந்த 7 ஜென்ம பாபங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள்। ஏன்? இந்த ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டாலே போதும் அவர்களது அனைத்து பாபங்களும் விலகுகிறது, அவரது கர்ம வினைகள் நீங்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட பலஸ்ருதி சொல்றது। இதுல 4 ஸ்லோகம் கொண்ட லகு ஸ்தோத்திரமும் 12 ஸ்லோகம் கொண்ட சம்பூர்ண ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு 2 இருக்கு। ரெண்டுமே நாம இந்த பதிவுல பார்க்கலாம்। ஸ்ரீ ஆதிசங்கர் விரச்சித்த ஸ்ரீ சிவ துவாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம் लघु स्तोत्रम्। सौराष्ट्रे सोमनादञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे त्वमामलेश्वरम् पर्यां वैद्यनादञ्च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतु बंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वारणाश्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गृष्णेशं तु विशालके एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पटे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। संपूर्ण स्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तप्रदानाय कृपावतीनं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरीकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानि दाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुरारादितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमानं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं हितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिकैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यां ये सदङ्गे नगरेति रम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापबृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकम्पाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। महाद्रिपार्श्वे चतटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं गृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये गृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च फलं तदालोक्य निजं भजे च फलं तदालोक्य निजं भजे च। इति श्री आदिशङ्करविरचित द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री गुरुभ्यो नमः।